नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 6 अक्टूबर दिन गुरुवार को अश्विन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि पापन कुशा एकादशी है। एकादशी के दिन यदि आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, देवादिदेव महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अचूक सा और रामवाण उपाय लेकर आई हूँ, जिसे करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही आपके हर कार्य में आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास भी होगा। क्या करना है इस उपाय के लिए आपको? इस उपाय के लिए आपको 41 गेहूं के दाने चाहिए। जी हाँ, 41 गेहूं के दाने। दाने जब आप लें तो चुनकर लें। खंडित दानों का प्रयोग इस उपाय में आप ना ही करें। दाने चुनकर साफ करके एक सरफ रख लें आप 41 दाने और साथ में एक बेलपत्र ले लें। अब आपको क्या करना है, प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। प्रदोष काल में जो समय होता है वह सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले से लेकर सूर्यास्त से 1 से 1.5 घंटे बाद तक का हो सकता होगा। यानी मान सकते हैं कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल होता है। इस समय पर भगवान शिव और माँ पार्वती धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो इसी समय पर आपको इस उपाय को करना है। आप यह 41 गेहूं के दाने और एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। अपनी हथेली पर जो 41 गेहूं के दाने आप लेकर गए हैं वह रखें, अपनी मनोकामना को कहें, जलाधारी वाले भाग पर छुआएं और फिर इसे आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अपनी मनोकामना को कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें, फिर बेलपत्र को अर्पित कर दें। बस इतना सा उपाय मात्र आपको करना है, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दर्शकों।